नहीं, हमारा ये था कि पिछले दिनों पुष्पेंद्र की हत्या पुलिस के द्वारा की गई थी और हम लोगों ने मांग की थी कि FIR दर्ज कराई जाए, लेकिन FIR दर्ज तो नहीं हुई, बल्कि जो अपराधी थे उनको बचाने का पहले जिला प्रशासन प्रयास कर रहा था, अब प्रदेश की सरकार भी इस काम में लग गई है कि उन अपराधियों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश की सरकार की तरफ से जो बयान आया है उसमें पुलिस की भाषा बोली गई है कि दो बार इनकाउंटर हुआ और तब हत्या की गई, जबकि सभी को पता है कि पुष्पेंद्र की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद फर्जी इनकाउंटर दिखाया गया। अब हम उस केस में तो न्यायालय में जा रहे हैं और न्यायालय में हम न्याय मांगने का प्रयास करेंगे। हमारा दूसरा मकसद ये था कि इसी वजह से कि अपराधियों को जब संरक्षण मिल रहा है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी झांसी में फिर चार लोगों की, उदयनिया परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई, निरीह और निर्दोष लोग जो घर में सो रहे थे उनको किस तरीके से हत्या करके उनको जलाने का काम किया, और उसमें भी पुलिस लीपापोती करने का प्रयास कर रही थी कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और लोग जल गए, लेकिन पुलिस ने जिस गंभीरता से लेना चाहिए उस गंभीरता से मामले को नहीं लिया। हमारा यही मांग है कि सरकार से, प्रशासन से, कि तत्काल दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आज जो पूरे प्रदेश में वातावरण बना है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही, अपराधियों के मंसूबे बढ़ते चले जा रहे हैं, अपराधियों को पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से संरक्षण मिल रहा है, इसलिए हमारा मानना है कि इस पे जो है, जो प्रदेश में जंगल राज का वातावरण बन रहा है उसको समाप्त करने के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी में चाहे पुलिस हो, चाहे कोई अपराधी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसने अपराध किया है, कानून के अंतर्गत उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों ने यही, जब प्रदेश की सरकार से न्याय नहीं मिल पा रहा है, हम लोगों ने आने वाले 13 नवंबर से जो संसद का सत्र चलने वाला है, पूरे प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर के, पूरे प्रदेश को जो जंगल राज बना हुआ है उसको लेकर के हम सब लोग जो है पार्लियामेंट में, हमारी पार्टी पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएगी और पूरी तरीके से जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करें। अगर न्याय नहीं मिलता तो इस रूप में क्या करेंगे? जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, ऐसे सबूत हैं कि कोई रोक नहीं सकता, हमें पूरा न्यायालय पे भरोसा है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है कि इनकाउंटर जो बताया जा रहा है वो मुठभेड़ चल रही है, कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं है। देखिए, हमारा यही कहना है कि हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, लेकिन जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है वो उचित नहीं है, क्योंकि ये पुलिस का बयान है, पुलिस का उनने वर्जन रखा है, उनको, वो प्रदेश के मुखिया हैं, उनको दोनों पक्षों की बात को लेकर के एक निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और दोषी कोई भी हो उसको सजा देनी चाहिए, जिससे कि पुलिस पुनः प्रदेश में इस तरीके की वारदात दोहराई ना जाए, ये प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। बोलने लगेगी, दोषी लोगों का वर्जन बोलने लगेगी तो निश्चित रूप से एक तरफ न्याय नहीं मिलेगा और ये घटनाएं रोक पाने में भी सरकार कामयाब नहीं होगी। नेताजी साक्षी महाराज ने कहा है कि 6 दिसंबर से राम निर्माण चालू हो जाएगा। देखिए, ये तो मामला उच्चतम न्यायालय में है, माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय करने वाला है। हम सबको पता है कि नवंबर में जो है उन्होंने निर्णय देने के लिए कहा है, जो निर्णय आएगा उस निर्णय को मानना चाहिए। अभी हम तो बड़े ताज्जुब में हैं कि इन लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कैसे जानकारी हो गई, कैसे इन लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि न्यायालय का भी ये लोग जो है एक तरीके से मजाक बनाते चले जा रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जानकारी तो किसी को नहीं है। हम तो कहते हैं जो भी निर्णय हो, और दोनों पक्षों ने कहा भी है कि उनके निर्णय को मानेंगे,
इन्हीं चीजों पर देश टिका हुआ है। तो जब सब लोग मानने के लिए तैयार हैं तो इस तरीके की बयानबाजी करना वातावरण को, समाज के वातावरण को खराब करने के इनके मन में मंसूबे हैं, इसलिए इस तरीके की बातें।